लिखेंगे हम नया। खम्मा घणी दाता हुकुम। नमस्ते। आगे रास्ता ठीक नहीं है, कई दिनों से जंगली चिता ने सबका जीना हराम करके रखा है। शूटिंग के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? अगर हमने आज ये शूटिंग कर ली, आज की शूटिंग की कहानियां तुम लोग अपने बेटे और पोतों को सुनाओगे। I really think we should do this. चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। रुकिए, खतरा है। रुक जाइए। आप लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं? दाता हुकुम के बॉडीगार्ड हैं। चलो। तेज चलाइए। गाड़ी रोकिए। आयुष बन्नो, आप होटल में हैं? आप दिया बाईसा के साथ दादा को ढूंढने नहीं गए? ये बात भी सही है, अगर आप भी चले जाते तो होटल की देखरेख कौन करता? बाईसा हुकुम ने सारी जिम्मेदारी आप पर ही दी होगी। और रश डालती भी किस पे? जी भाभी सा, मक्खन का ना प्रॉब्लम ही यही है, जहां लग जाए वहीं चिपक जाता है। अब निकाल भी दो तो भी दाग तो रह जाते हैं ना। क्यों बु, क्या हुआ बुआ सा, आप हमें ऐसे घूर क्यों रही हैं? हम तो पल्लू पे लगे इस मक्खन की बात कर रहे थे। क्या हुआ, पीछा क्यों कर रही है? हमें आपकी इजाजत की जरूरत कौनी से? दाता हुकुम हमारे बेटे जैसे और हमारे परिवार की शान है। उन्हें कुछ हो गया तो आप तो माफी मांग के अपने घर चली जाएंगे, नुकसान तो हमारा ही होगा ना। आपकी और आपकी जेड सिक्योरिटी की पहरेदारी देख ली हमने, हम भी आपके साथ चलेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। चलिए। भाई साहब हुकुम, कुछ भी हो जाए दिया भाई सा, हम वापस कौन ही जाएंगे? मोहक जमाई सा, कोई इंतजाम कीजिए। ये जरूरी था क्या? उन्हें रोकना नामुमकिन था और उन्हें ले जाना मुश्किल, और फिर क्या पता कौन अपनी बंदूक में दाता हुकुम के नाम की गोली लेकर घूम रहा है। गाड़ी रोकिए।
भाई साहब हुकुम आगे मत जाइए। थोड़ी देर पहले हमने दाता हुकुम को भी मना किया था लेकिन वो नहीं माने, जंगल की ओर चल पड़े। वो क्या है कि शूट करने जा रहे थे जंगली चीता का। शूट? उनके साथ और भी कोई था? उनके दो दोस्त थे और उनकी गाड़ी निकलने के बाद पीछे से दो बॉडीगार्ड्स भी गए थे। उनके बॉडीगार्ड्स तो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो वो कौन थे? इसका मतलब साफ है यशमन्ना, दुश्मन दाता हुकुम तक पहुंच गए। जल्दी चलिए। गाड़ी से तो बाहर निकलो, यू डरपोक, चीता उस तरफ है। Get out. Nobody. हम यहीं अच्छे हैं। हम बाहर नहीं जा रहे। Then why don't you leave? यहां तक आके गाड़ी में बैठने का क्या फायदा? Anyways, मैं तो जा रहा हूं। रतन, रुक जा। Don't be an idiot. हमारी बात नहीं मानी, वो अकेले ही चला गया जंगल में चीता को शूट करने। यशमन्ना, आप इस तरफ जाइए, हम उस तरफ जाते, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जी। आप भी चले जाइए यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। सारी टीम को फॉरेस्ट की तरफ डाइवर्ट कीजिए अभी। मिस्टर इंडिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दाता हुकुम, यहाँ शूटिंग इलीगल है। दीजिए हमें। क्या क्या? दीजिए हमें। नो वेज। विकेट मूव्स हाँ, मिस्टर इंडिया। कैमरा? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? गन? मैं यहाँ पे शिकार करने नहीं, वाइल्ड लाइफ शूट करने आया हूँ।
गन तो मैंने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। आपको अंदाजा भी है कि दुश्मन आपके कितने पास है और आपको हंसी आ रही है? आपको अपनी जान की बिल्कुल भी कुछ परवाह नहीं है ना? एक हम है जो आपकी जान के पीछे दिन रात लगा देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। नहीं रतन सा, बस बहुत हो गया। आई मीन What the hell? मेरे सारे images चले गए। आपको पता भी है ऐसे photographs लेना इतना आसान नहीं है। ऊपर से आपने मेरा camera भी तोड़ दिया। ये कैसा मजाक था? एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब मैं कोई 9 साल का बच्चा नहीं हूँ। और ये गन मुझे अच्छी तरीके से चलानी आती है। उस चीता के इतने करीब बैठ के मैं उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तब कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला ही था। ना आप थी और ना ही आपके सिक्योरिटी गार्ड्स। किसी चीज से डर नहीं लगता मुझे। और जब उस जंगली चीते से नहीं डरा तो क्या उस स्टूपिड दुश्मन से डरूंगा मैं? आप अच्छी तरीके से और समझ लीजिए। प्लीज स्टॉप दिस पहरेदारी बिजनेस। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाइए और मुझे जेल से आजादी दीजिए। इट्स माय लाइफ, मुझे मेरे तरीके से जीने देंगे आप? आई नीड माय स्पेस, गॉड डैम इट। जंगल में आकर छुप छुपाकर जानवरों के पिक्चर्स ले रहे थे आप। 21 तोपों की सलामी वाला कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे थे। बहादुरी के लिए सिर्फ रिस्क लेना नहीं होता, दिमाग भी यूज करना होता है। इतने खुश थे अपने फोटो शूट में कि आपको अंदाजा भी नहीं था कि कोई आपको दूर से शूट करने की कोशिश कर रहा था। ये बुलेट यहाँ कैसे आई? हमने तो हवा में शूट की थी ना। आपको खींचकर अगर आपका कैमरा नहीं तोड़ते ना तो अब तक सब कुछ टूटकर बिखर गया होता। इट्स माय लाइफ, हमें अपनी तरह से जीने दो। ये सब कहना बहुत आसान है, जरा सा भी अंदाजा है? आपको जिंदा रखने के लिए, आपको दाता हुकुम बनाने के लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी गई है। ये छोटी मोटी रिस्क लेकर ना इन सारी कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाइए। ये लीजिए। आई नो पानी ठंडा नहीं है लेकिन आई एम श्योर आपके गुस्से को जरूर ठंडा कर देगा। मैंने पढ़ा है कि 30 साल की उम्र में ज्यादा गुस्सा करते हैं ना तो बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे डोंट वरी, आपके गुस्से का इतना बुरा नहीं लगा मुझे। इनफैक्ट आप जब गुस्सा करती है तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। आपकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है और नाक छोटी, एग्जैक्टली लाइक अ बटन। अरे अरे मिस्टर इंडिया सुनिए तो,
अरे कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के, सुनिए। अरे मिस्टर इंडिया मेरी बात तो सुनिए, मिस्टर इंडिया सुनिए तो, कब से बुला रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ गया? कोई इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है, कोई इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? जिंदगी को कोई मेले का मेरी को राउंड ही समझ रखा हो जैसे। जिंदगी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम समझ लिए, ना कोई फिक्र ना कोई डिसिप्लिन ना आओ दिखाना था, बस ऐसे ही चल दिए। अभी अभी तो जान बची है, अभी भी हंसी आ रही है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सावधानी से कदम आगे बढ़ाए, कभी भी फिसला। देखा, सोच समझ के कदम बढ़ाने के बाद भी इंसान फिसल सकता है, इतना नाप तोल के जीने का क्या फायदा। कम ऑन कैरफ, हाथ दीजिए, चलिए उठिए। एक ही फिलॉसफी, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अरे जिंदगी अगर खुल के नहीं जी तो फिर क्या जी? एक दफा आप भी ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। प्लीज हमें नीचे उतारिए, हम खुद से चल लेंगे। अगर इस हालत में आपको छोड़ दिया तो कल सुबह पहुंचेंगे जीप तक, और इस बीच अगर आपको चीता उठा कर ले गया तो फिर मेरी पहरेदारी कौन करेगी? इस उम्र में कौन सा घटिया खेल खेल रही है हमारी आंखें? दाता हुकुम की बाहों में पहरेदार नहीं, साधारण छुट्टी टकरानी सा, बाहों में तो आ गई चोरी, दिल के भीतर घुस गई ना तो मैं महल से बाहर कर देगी। हमें नीचे उतारिए। सर इंडिया रिलैक्स अप, यू हर्ट, इट्स ओके। कैसी रही? दादा हुकुम प्लीज हमें नीचे उतारिए। वाह दिया भाई साहब तुम, वाह। 12 साल से जो फसल बो रही थी आप उसे काटने का एकदम सही वक्त चुना है आपने, मजो आ गए हो। ठगया ठग ने ठगाया ठाकर, ठाकुरों को ठगने का अच्छा तरीका निकाला से पैसा हुकुम। पहरेदारनी का काम पहरेदारी होता है, अपने मालिक के बाहों में झूलना कौनी पैसा हुकुम। ये तो अपना काम ही कर रही थी काकी मासा, आज फिर से मुझ पर हमला हुआ और हमेशा की तरह इन्होंने मेरी जान बचाई। दया कर सीखा लगा। शुक्र है कि आप बच गए दाता हुकुम। इस बार भी हमलावर पकड़ा गया कि हमेशा की तरह भाग गया। बात समझ में कौन ही आती पैसा हुकुम? आपके पास इतनी जेड सिक्योरिटी से फिर भी हर बार हमलावर भाग कैसे जावे? दिया भाई साहब, काकू साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम आज भी हमलावर को पकड़ नहीं पाए। आप कुछ पूछ रही थी काकी मासा, पूछिए इंस्पेक्टर साहब से, आप ही के पोते हैं ना।
क्यों? क्या गलत कहा मैंने? जब से यहाँ आया हूँ बार बार मुझ पर अटैक हो रहे हैं और अभी तक अटैकर पकड़ा नहीं गया। शायद आप ही उन्हें जाने देते हैं। यश पन्ना, दाता हुकुम, ये आप क्या कह रहे हैं? इनफ मिस्टर इंडिया, काकी मासा को अगर आपकी वफादारी पे इतने सारे सवाल हैं, तो मेरा भी एक सवाल है। फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर यश बन्ना पुलिस में क्या कर रहे हैं? कहीं पुलिस में रहकर ये किसी अपने को बचाना तो नहीं चाहते? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.